हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी। हम थर्ड ईयर की सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी जो सेकंड ईयर के टॉपिक छूट गए हैं वो हम है ना अपलोड करते जाएंगे, धीरे धीरे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अब से कम्युनिटी मेडिसिन का ये फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो थर्ड ईयर का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो हम थर्ड ईयर भी स्टार्ट कर रहे हैं साथ साथ। और सबसे पहले थैंक यू, हमारे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और थैंक यू फॉर योर लव एंड अफेक्शन, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं हम एपिडेमियोलॉजी से, और हम इनको सारे पार्ट्स में डालेंगे। अब हम ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक स्किप कर दिया और फिर उसके आगे चले गए, हम ऐसा नहीं करेंगे। एपिडेमियोलॉजी है, इसके जो सीक्वेंस वाइज जो भी टॉपिक बनेंगे, पार्क का रेफरेंस है, मतलब हम पार्क से जो भी टॉपिक लेंगे पार्क के हिसाब से चलेंगे। के पार्क जो है कम्युनिटी मेडिसिन की, हम उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये टॉपिक हो गया फिर उसके बाद हमने कोई और टॉपिक उठा लिया, हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे। एपिडेमियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी का पूरा ये थर्ड जो चैप्टर चल रहा है, इससे पहले हेल्थ एंड डिसीज़ वाला चैप्टर है वो हम कर देंगे कंप्लीट। एपिडेमियोलॉजी से जो भी जितने भी पार्ट बनेंगे डायरेक्ट लगातार हम बनाते जाएंगे, ठीक है। कोई और चैप्टर नहीं लाएंगे उसके बीच में, तो इसका ये ध्यान रहेगा, क्योंकि फिर वो छूट जाता है तो फिर छूट ही जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, एपिडेमियोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। तो सरोलॉजी का हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर लेते हैं। तो क्या होता है कि ये बेसिक साइंस होती है ऑफ PSM। तो PSM का मतलब होता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ठीक है। तो उसको हम PSM बोलते हैं, ये उसकी बेसिक साइंस होती है। एंशियंट टाइम से लेकर 20th century तक इसकी मतलब बहुत स्लो ही प्रोग्रेस हुई है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और ये अब मतलब कुछ साल पहले, कुछ डिकेड पहले आके ये अब डेवलप होना शुरू हुई है, और इसका अब मेडिकल लाइफ में, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये केवल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब है ना जो बीमारी कैसे फैलती है, ये केवल और कितनी तेज़ से फैलती है, ये केवल उसका पता नहीं करती, जबकि ये उसकी प्रिवेंशन और क्योर पे भी पूरा हेल्प करती है, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो बीमारी है उसके रिस्क फैक्टर का पता कर लेती है, ठीक है। बीमारी है मतलब एपिडेमियोलॉजी, मतलब जो हम स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजी में, जब भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं, ये उसकी एटियोलॉजी का पता कर लेती है, मतलब कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर का पता कर लेती है, ठीक है। और इससे कि हम उसके अगर कॉजेज और रिस्क फैक्टर का पता हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसके ट्रीटमेंट और उसके क्योर या फिर उसके प्रिवेंशन में ये हमें पूरी हेल्प करता है, ठीक है। और जिसके चलते हम है ना अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। और अब हम जानते हैं एपिडेमियोलॉजी का मतलब, ठीक है। एपी मतलब होता है अमंग, डेमोज मतलब होता है पीपल्स, लोगोज मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो पीपल्स के ऊपर जो स्टडी होती है उसको हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। पीपल्स ले लें, कम्युनिटी बोल लें, पॉपुलेशन बोल लें, मतलब पीपल्स, या फिर मतलब वही कम्युनिटी ले लें या फिर सब ग्रुप्स ले लें, सब पॉपुलेशन ले लें, उसमें पीपल्स होने चाहिए। तो पीपल्स के ऊपर जो स्टडी होती है उसको हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। तो डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट स्टेट्स एंड प्रोसेसेस इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट इन्फ्लुएंसिंग सच प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज टू कंट्रोल रेलिवेंट हेल्थ एंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम इसको पार्ट्स में करेंगे, पूरी डेफिनेशन को समझेंगे क्या है, ठीक है। स्टडी होती है अकरेंस, स्टडी किसकी होती है, जब कोई हेल्थ रिलेटेड इवेंट जो होता है, हेल्थ रिलेटेड इवेंट से यहाँ मतलब है कोई बीमारी, ठीक है। तो उसकी अक्रेंस मतलब उस बीमारी का आना या उसके बीमारी का सबूत होना, ठीक है, कुछ ऐसा पता होना कि हाँ ये बीमारी है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन कि वो कैसे फैल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना, कैसे फैलना। तो उनकी मतलब बीमारी का आना और उसके फैलने की स्टडी है ना ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट, ये तो हमें पता ही चल गया मतलब डिजीज़ से रिलेटेड है। इन द स्पेसिफाइड पॉपुलेशन मतलब कोई एक पॉपुलेशन जहाँ पे बीमारी फैल रही है या फिर नहीं फैल रही है, मतलब हम कोई एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन लेंगे, जैसे मैन में फैल रही है ज़्यादा या वुमेन में फैल रही है, हम स्टडी करने के लिए कोई एक पॉपुलेशन लेंगे, और मेन है कि हम उस एरिया की पॉपुलेशन लेंगे जहाँ पर ये बीमारी फैल रही है, ठीक है। और स्टडी करना उन डिटर्मिनेंट्स की, डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है फैक्टर्स या इटियोलॉजिकल एजेंट बोल लें या कॉजेज बोल लें, है ना, उसकी स्टडी करना, उसकी भी मतलब इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट्स मतलब कॉजेज फैक्टर्स जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, इन प्रोसेस मतलब इस सब के बारे में पता लगाना, और फिर क्या इन सब के बारे में पता लगा के उनके कंट्रोल्स मतलब उस बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रेलिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम, नॉलेज टू कंट्रोल रेलिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज टू कंट्रोल रेलिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब है कि हमें वो नॉलेज मिल जाती है कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें बीमारी को और कैसे उसको क्योर करें, कैसे उसको ट्रीट करें, ठीक है। तो
तो इसको एक और बार देख लेते हैं। इसमें क्या है, स्टडी होती है ये कि बीमारी का आना, मतलब कोई हमें सबूत मिलना, जैसे कोरोना आया तो हमें वुहान में सबूत मिल गया कि हाँ ये बीमारी आ रही है और स्प्रेड हो रही है, आना और इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोरोना आया और डिस्ट्रीब्यूट भी, मतलब अब वो फैलने भी लग गया, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्प्रेड होना, ठीक है। तो फैलने लग गया वुहान में, फिर पूरे चाइना में फैला, फिर धीरे धीरे और कंट्रीज़ में फैला, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को है ना, कोई बीमारी आई और उसका उसका स्प्रेड हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उसको स्टडी करना, उससे डेटा इकट्ठे करना, और वो भी किस पॉपुलेशन में, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में। स्पेसिफाइड पॉपुलेशन मतलब कि जहाँ पे ये फैल रहा है, जहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। एक पॉपुलेशन ही लेंगे, जैसे हमने कोई स्टेट ले लिया या हमने कोई एरिया ले लिया या मतलब कोई भी जहाँ पे ये हमें ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो और उसके साथ इंक्लूडिंग मतलब उसको उसके साथ साथ हम डिटर्मिनेंट्स, स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है फैक्टर्स या कॉजेज जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। उसके साथ साथ मतलब हम सारी जब स्टडी करेंगे तो उसके साथ साथ हमें फैक्टर्स भी पता चल जाते हैं, मतलब किस वजह से हो रही है। तो फिर जब हम फैक्टर्स वगैरह सब पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा, हमें उसके साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उस हेल्थ प्रॉब्लम को, ठीक है, कि उसके प्रिवेंशन पता चल जाएंगे, उसके क्योर पता चल जाएंगे। मतलब इतनी स्टडी की जाती है और ज़्यादा डेटा इकट्ठे किए जाते हैं जिससे कि हम उसके क्योर देख लें, प्रिवेंशन देख लें। अब जैसे यह हमें पता चल गई अकरेंस कहाँ पे हुआ, वहाँ पे वुहान में हुआ, ठीक है, स्प्रेड हुआ और कंट्रीज़ में कोरोना, ठीक है, और कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ, मतलब वुहान में स्प्रेड हुआ, फिर जाके पूरे चाइना में स्प्रेड हुआ, फिर और कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे हमें यह पता चली कि है ना उसके फैक्टर्स क्या है, मतलब उसका कॉज क्या है, कि ये कैसे फैल रहा है और किससे फैला, हमें ये भी पता चली। फिर हमने धीरे धीरे जब पता लगाया, ठीक है, फिर क्या हुआ, हमें उसके कंट्रोल्स पता चली कि हम इसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब हमें ये पता है कि क्राउड में हमें नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, हमें ये पता है कि इसका इलाज नहीं है, हमें पता है इसके वैक्सीनेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसके प्रिवेंशन कर सकते हैं। मतलब हम मास्क लगा के रह सकते हैं, सैनिटाइज करके रह सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में रह सकते हैं। तो ये सब इसके मतलब ये पूरी स्टडी को करना, और ये हमारे एक मेडिकल साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको, आई होप आपको डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि कम्युनिटी की हेल्प से डिसीज़ की नॉलेज लेना, ठीक है, कम्युनिटी की हेल्प से डिसीज़ की नॉलेज जब हम लेंगे और उसकी स्टडी करेंगे, तो उस नॉलेज या स्टडी को अप्लाई करके कम्युनिटी के डिसीज़ और हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है और क्योर किया जा सकता है। अगर हम पे क्योर का कोई तरीका नहीं है तो हम उसको कम से कम कंट्रोल तो कर सकें। जैसे हम पे वैक्सीनेशन नहीं है कोरोना के लिए, तो लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस चेन को तोड़ सकते हैं लॉकडाउन करके या बहुत सारी चीज़ें करके, जो कि हमने देखा है अभी हाल फिलहाल में अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो अगर है ना, जैसे हमें ये पता है, अगर हम एग्जांपल लें तो हमें उस डिसीज़ का नेचर पता चल जाएगा कि वो डिसीज़ कैसे हो रही है, क्या हो रही है और वो डिसीज़ कैसी है, तो उससे हम फिर ईजिली डील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोरोना, तो हम जो अभी कोरोना से बचे हुए हैं या फिर जो भी इन्फेक्ट हुए हैं, तो सबसे पहले जो कोरोना से बचे हुए हैं तो उन्होंने है ना बेटर प्रिवेंशन लिया होगा, उन्होंने मास्क प्रॉपर पहना होगा, उन्होंने सैनिटाइज़ किया होगा टाइम से, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग रखी होगी और उन्होंने लॉकडाउन का पूरा मतलब पालन किया होगा, ठीक है। तो यही है कि उन्होंने प्रिवेंशन लिया और है ना हमें किसी डेटा से, किसी स्टडी से हमें उसको कंट्रोल करने की हेल्प मिली, ठीक है। तो यही है, इसी को प्रिवेंशन बोलते हैं। बाकी हम आते हैं, इसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स हैं, हम इसको थ्री डी से याद कर सकते हैं। इसमें थ्री डीज़ हैं, डिसीज़ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़ और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़। तो थ्री डीज़ हो गई, डिसीज़ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स। ना फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी फ्रीक्वेंटली वो स्प्रेड हो रही है, या हम किसी चीज़ की कहें कि कितना फ्रीक्वेंटली या किस फ्रीक्वेंसी से बढ़ रही है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इनके ज्योग्राफिकल एरियाज़ होते हैं, या तो वर्ल्ड वाइड भी हो सकती है या किसी कंट्री में या किसी स्टेट में भी रह सकती है। कहाँ पे पैंडेमिक होगी, मतलब हमें पता है कि है ना कोरोना पूरे वर्ल्ड वाइड में ही है, ठीक है, जापानीज वी इंसेफेलाइटिस बिहार की तरफ ज़्यादा था, ठीक है। तो यही सब हमको इस स्टडी से पता चलता है। डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स पता करना, एटियोलॉजिकल एजेंट पता करना, ठीक है। तो डिसीज़ फ्रीक्वेंसी में यही है कि है ना
मतलब हम क्या मेज़र करते हैं, रेट रेशियो और प्रोपोर्शन से हम डिसीज़ फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कोई डिसीज़ कितनी फ्रीक्वेंटली फैल रही है या कितनी फ्रीक्वेंटली नहीं फैल रही, मतलब कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, किसी जैसे कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है, मतलब कम्युनिकेबल होता है, किसी के टच या किसी के छींकने से ही ड्रॉपलेट से वो इधर से उधर जाता है। लेकिन बहुत सारी डिसीज़ नहीं होती जो कि है ना, जो कि बहुत लेट स्प्रेड होती है, मतलब वो ट्रांसमिटेड नहीं होती इतनी जल्दी। ठीक है, तो यही है किसी, तो डिसीज़ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, डिसीज़ फ्रीक्वेंसी मतलब ये मेज़र करती है डिसीज़ या डेथ की फ्रीक्वेंसी को, मतलब कितना फ्रीक्वेंट है कोई डिसीज़ या डेथ जो हो रही है डिसीज़ की वजह से, वो कितनी फ्रीक्वेंट है, कितनी तेज़ी से हो रही है, कितनी धीरे, मतलब कितनी तेज़ी से नहीं हो रही है, उसका रेट पता करना। ठीक है, कि कितनी तेज़ी से हो रही है या नहीं, मतलब एक तो तय के बहुत, मतलब जैसे कोरोना में बहुत डेथ हो चुकी है, लेकिन है ना फिर एक टाइम आता है, एक मतलब जैसे एक वेव आई है ना, उसके बाद आता है कि हाँ उसकी जो डेथ रेट है वो कम हो जाती है, तो रेट कम हो जाती है, तो उसको रेट में हम नापते हैं, ठीक है, मेज़र करते हैं। तो यही है मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीज़, डिसेबिलिटी और डेथ। ठीक है, डिसीज़ को या उसकी डिसेबिलिटी को या डेथ को मेज़र करना, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेज़र करना। ठीक है, और ये जो रेट, रेट इसलिए ज़रूरी है, रेट में इसको मेज़र करना या किसी प्रोपोर्शन में मेज़र करना, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, बहुत सारी वो होती है, पॉपुलेशन होती है, स्टेट्स में कितने लोग रहते हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया में भी बहुत लोग रहते हैं, तो हमें उसको एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में कंपेयर करने में आसानी होती है, इसलिए हम इसको रेशियो में, रेशियो रेट या रेशियो में हम उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, और इस ऐसे कंपैरिजन से, मतलब ऐसे कंपैरिजन से हमें उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स और एक्टिविटी भी पता चल जाती हैं। जैसे अगर है ना हेल्थ नीड्स, जैसे है ना अब उनको जैसे कोई वाटर स्कार्सिटी हो या फिर फूड स्कार्सिटी हो, मतलब माल न्यूट्रिशन की वजह से भी बहुत लोग मरते हैं, तो हमें उधर की ये पता है कि हाँ ये डिसीज़ हो रही है, ये माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है, डिमांड्स भी पता चल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे है ना क्या डिमांड्स हैं, मतलब है ना अगर वहाँ पे किसी चीज़ की डिमांड होगी तो उसकी कमी से भी तो वो चीज़ हो सकती है, तो ये पता चल जाएगी। एक्टिविटीज़ कोई इंडस्ट्रियल एरिया हुआ है ना, कोई कोई या फिर वो लेबर एरिया हुआ, ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगी, तो हमें ये पता चल जाएगी कि हाँ ऑक्यूपेशनल डिसीज़ से ये होती है, और जैसे हम पढ़ते हैं कि ऑक्यूपेशनल डिसीजेज होती हैं, ये होती हैं, तो ये सब एक स्टडी का ही तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें एपिडेमियोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इसमें फिर हम क्या करते हैं कि स्ट्रेटजीज़ डेवलप करते हैं। ठीक है, और मतलब स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे और क्या है ना, हम इसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे प्रिवेंट करें। सेकेंड आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़ पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़ मतलब जो सेकेंड डी है हमारा, थ्री डीज़ है ना, डिसीज़ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़ पे अगर हम आएंगे तो इसमें क्या होता है कि है ना एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। ठीक है, स्पेसिफिक पैटर्न में जो डिसीज़ होती है वो स्प्रेड होती है। ठीक है, या तो वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रही होगी, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप में स्प्रेड हो रही होगी, या फिर वो एक एरिया में स्प्रेड हो रही होगी। हमें पता है कई सारी डिसीज़ हैं ऐसी जो कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रही हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड हो रही है, मतलब जैसे कहीं पानी भरा हुआ है तो पे कॉलेरा ज़्यादा होगा, है ना, कोरोना है वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहा है, तो बहुत सारी डिसीजेज ऐसी हैं। ठीक है, तो वो उससे हम पता करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उस डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो रहा है। कोलेरा है तो पानी वाली जगह पे होगा, तो हम वहाँ पे पानी, मतलब डेंगू वगैरह है तो मच्छर वगैरह जहाँ होंगे, ये चीज़ हमें इससे पता चलती है। ठीक है, अब क्या है कि है ना ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में होती है, किसी कम्युनिटी में होती है पर्टिकुलर पैटर्न में। ठीक है, किसी कम्युनिटी में हो रही होगी तो उस पैटर्न को हम पता करते हैं कि किस पैटर्न में हो रही है। ठीक है, तो कि किस पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या तो किसी एज ग्रुप में हो रही होगी, या मतलब किसी एज ग्रुप में हो रही होगी, किसी प्लेस पे हो रही होगी, तो उससे ये पता चलता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें इससे आइडिया मिल जाएगा कि क्या है ना इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, हमें इससे क्लू मिल सकता है इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए और रिस्क फैक्टर्स के लिए। ठीक है, अब क्या है कि है ना जो डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न है वो मतलब वो कैसा पैटर्न हो सकता है, जो हम अभी तक पैटर्न की बात कर रहे थे वो किस पैटर्न में हो सकता है, इसके हम टाइम पता करेंगे, प्लेस पता करेंगे और पर्सन पता करेंगे। ठीक है, टाइम मतलब कि वो किस वो मतलब कितने टाइम तक रह रहा है, या तो जैसे विंटर में कॉमन कोल्ड हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो समर में आके इतना कॉमन नहीं रहता है ना, तो उसका मतलब कितना ज़्यादा या कितना कम लाइफ स्पैन है, कितना कम टाइम स्पैन है उस डिसीज़ का। प्लेस का पता करेंगे, तो प्लेस में क्या है कि है ना हायर कंसनट्रेशन ऑफ डिसीज़ इन अ जियोग्राफिकल एरिया दैन इन द अदर्स, मतलब क्या है कि है ना कोई एक एरिया मतलब दूसरे एरिया से कितना अफेक्टेड है, दूसरे एरिया के कंपैरिजन में कितना अफेक्टेड है। ठीक है, अब जैसे अब कोरोना में ही ले लें कि एक हम रखते हैं कंटेनमेंट जोन, एक दूसरा जोन मतलब जो कि ग्रीन जोन होता है, मतलब ग्रीन जोन में तो कोई केस नहीं आए होते या बहुत रेयर केस आए होते हैं, कंटेनमेंट जोन में मतलब जहाँ पे ज़्यादा केस आए हुए, तो हम उस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब हम उस प्लेस को पता कर लेते हैं कि हाँ इस एरिया में ज़्यादा डिसीज़ है। ठीक है, पर्सन अब है ना क्या होगा कि या तो मैन में ज़्यादा हो सकती है, वुमेन में, या ओल्ड एज पीपल में, चिल्ड्रंस में, और है ना इससे मतलब ये जो पैटर्न है हम इससे पता करते हैं कि हाँ वो डिसीज़ कैसी है, क्या है, किस में ज़्यादा हो रही है, इससे हम एटियोलॉजिकल फैक्टर्स भी पता कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ आती है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम प्लेस ऑफ पर्सन पे मैटर करता है। ठीक है, एक पैटर्न होता है ये टाइम प्लेस ऑफ पर्सन का। ठीक है,
और ये जो मतलब हम इसमें बिहेवियर भी देखते हैं कि जो अफेक्टेड पर्सन है वो अनअफेक्टेड पर्सन से कैसे वेरी करता है उसका बिहेवियर, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स, जो कि 3D का लास्ट डी है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज, फैक्टर्स और कॉजेज, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या होता है, फैक्टर्स या कॉजेज, फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, इटोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं, कॉजेज जो हम बोलते हैं कि इसका क्या कॉज था कि जिसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स में वो चीज़ आती है, वॉट आर द फैक्टर रिलेटेड टू दिस डिसीज। डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है कि कौन से फैक्टर इस डिसीज से रिलेटेड हैं, ठीक है। इन रिसेंट ईयर बाय दिस स्टडी वी कैन अंडरस्टैंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रॉनिक डिसीज। हमें लंग कैंसर के बारे में पता है, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, जैसे हम इटा जैसे हमें पता है स्मोकिंग से क्या होता है, लंग कैंसर होता है, ठीक है। मतलब और सारे माउथ कैंसर होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें ये पता है कि हाँ स्मोकिंग से ये चीज़ हो रही है। अब हम इसमें देख लें, कोरोना में देख लें, क्या कोरोना में देख लें या किसी भी चीज़ में देख लें, जहाँ पे हाइजीन नहीं होगी, जहाँ पे क्लीन नीट एंड क्लीन एरिया नहीं होगा, वहाँ पे ना स्प्रेड रेट ज़्यादा होगा, जहाँ पे क्राउड प्लेस होगी वहाँ पे भी स्प्रेड रेट ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ से हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एम्स की बात करें कि हमारा मेन एम क्या है एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि है ना हमें पता है कि है ना डिसीज़ को कैसे डिस्क्राइब करना है, डिसीज़ को डिस्क्राइब करके उसके डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज़ करते हैं, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज़ करेंगे, उसको समझेंगे। अब हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो है ना, तो क्या है कि हम उसके डिस्ट मतलब वो जो डिसीज़ है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहाँ स्प्रेड हो रही है, हम उससे उस प्रॉब्लम का क्योर कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पता कर सकते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर किस वजह से हो रहा है, उसके पैथोजेनेसिस को हम फिर देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उस डेटा से, जो भी हमें डेटा मिला है, उससे फिर हम है ना कोई प्रोग्रामिंग या कोई प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे टीवी के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है, फिर हम उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्रिवेंशन ट्रीटमेंट, हम उस डेटा की हेल्प से हम ये प्रिवेंशन क्योर ये सब कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि है ना जो मेन एम है, ठीक है, ये तो हो गए एम, ठीक है। अब लेकिन पूरा एक जो मेन चीज़ है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, तो क्या है कि हम है ना इसमें एलिमिनेट और रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम एंड कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब हम कॉन्सिक्वेंसेज और हेल्थ प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए हम एपिडेमियोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी का डेटा जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, किसी की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, किसी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि इस एरिया में से या इस यहाँ से वो डिसीज़ हट जाए और सब ठीक हो जाए, और क्या कि टू प्रमोट दी हेल्थ एंड वेलबींग्स ऑफ सोसाइटी एज होल, ठीक है। तो यही है कि है ना उनकी हेल्थ को प्रमोट करना, मतलब उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो इसके लिए हम वो स्टडी कर रहे हैं। अब हम COVID-19 का केस ले लेते हैं, हमें ये पता है कि क्लोज कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो रहे, मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट से वो कोरोना स्प्रेड हो रहा है, उससे इन्फेक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया, एक डेटा हो गया, एक स्टडी हो गई, एक नॉलेज हो गई हमारे लिए कि हाँ मतलब हमने ये देखा कि इन हॉस्पिटल्स में या यहाँ पे केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमने स्टडी की, ठीक है, कहाँ कहाँ स्प्रेड हो रहा है, कैसे कैसे स्प्रेड हो रहा है, तो हमने स्टडी की, क्लोज कॉन्टैक्ट से बढ़ रहा है, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, अब हमने उस चीज़ की स्टडी करके हमने क्या इंप्लीमेंट किया, उसके कंट्रोल्स किए कि हमने मास्क के लिए बोला, हमने सैनिटाइजर के लिए बोला, हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला, हमने लॉकडाउन लगवाया, हम क्वारंटीन या आइसोलेट जो भी हो वो रहे, ठीक है। तो ये उसकी हो गई स्टडी करने का कि हाँ हमें इससे नॉलेज मिली और हम उसके लिए अब हमें पता है कि अब हम सैनिटाइज करेंगे तो हमारे सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, मतलब वो हमने इंप्लीमेंट किया, हमने प्रिवेंशन किया, हम ये अगर हम पे वैक्सीनेशन नहीं है, अगर हम पे दवाइयाँ नहीं है, तो हम इस चीज़ से ये चीज़ करके हम बैक्टीरिया वगैरह से दूर रह सकते हैं, वायरस वगैरह से दूर रह सकते हैं, ठीक है। अब आती है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। इसमें क्या है कि दो मेजर चीज़ होती हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन किया जाता है और एक कंपैरिजन किया जाता है, आस्किंग क्वेश्चन और मेकिंग कंपैरिजन। आस्किंग क्वेश्चन में क्या है, रिलेटेड टू दी हेल्थ इवेंट्स और रिलेटेड टू दी हेल्थ एक्शन, मतलब एक तो इवेंट्स मतलब हेल्थ इवेंट मतलब डिसीज से रिलेटेड होगा और फिर हम उस पर क्या एक्शन करेंगे एक वो होगा, ठीक है। मतलब कोई डिसीज़ है, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये सब हम पहले जानेंगे कि इस डिसीज़ मतलब कैसे हुई, कहाँ हुई, हमें कहाँ मिली, सबसे पहला पर्सन क्या हुआ, ये सब हम उसके डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर अब एक्शन के बारे में बात करेंगे, मतलब रिलेटेड टू दी हेल्थ एक्शन। एक्शन मतलब कि अब हम इसके बारे में क्या करें, हम आइडियाज़ लेंगे, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे, अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लॉकडाउन लगा देंगे पूरे इंडिया में तो क्या होगा, इस एरिया में लगा देंगे तो क्या होगा, तो मतलब फिर हम उसके एक्शंस पे पूरी बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो आस्किंग क्वेश्चंस में क्या होता है, 6 W's होते हैं, तो 6 W's में रिलेटेड टू दी हेल्थ इवेंट, इवेंट से मतलब डिसीज़ के बारे में मतलब क्वेश्चंस करना, व्हाट इज़ द इवेंट, मतलब क्या प्रॉब्लम है ना, कि हम किसी डिसीज़ को लेकर कि हाँ मतलब व्हाट इज़ द इवेंट, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, वेयर डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन, और हु आर अफेक्टेड, व्हाई डिड इट हैपन, मतलब वही है कि क्यों मतलब क्या प्रॉब्लम है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है और ये कहाँ हुआ है और कब हुआ है और
कौन कौन अफेक्ट हो रहा है उससे और इसका फैक्टर क्या है, एटियोलॉजी क्या है। तो हम इस 6 W's से हम उस हेल्थ इवेंट के बारे में पता करते हैं, ठीक है, डिसीज़ के बारे में पता करते हैं कि हाँ ये डिसीज़ है, ये यहाँ हुई है, ये कैसे हुई है, ये मतलब कौन अफेक्ट हुआ है और ये कैसे हुआ है, ठीक है। अब हम हेल्थ एक्शन की बात करें तो हमें तो हेल्थ एक्शन मतलब अब हमें डिसीज़ के बारे में पता चला है कि ये चीज़ हुई है, यहाँ हुई है, तो अब हम इस पर क्या एक्शन करेंगे, क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या चीज़ लाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि है ना हम तो क्या है कि रिड्यूस कर मतलब हम क्या करें कि जिससे ये प्रॉब्लम कम हो और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अब हमें पता है कि कोरोना कम करने के लिए हमें अगर हम कम करेंगे तो हमें वो चेन ब्रेक करनी पड़ेगी, तो हमने इसके लिए लॉकडाउन लगा दिया। अब लॉकडाउन के कॉन्सिक्वेंसेस सबको पता है कि क्या है, ठीक है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, मतलब जो भी हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि हम इससे फ्यूचर में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब हम इससे कैसे बच सकते हैं। अब फिर तीसरा क्या है, क्या है ना इससे मतलब जो भी हम एक्शन लेंगे उस पर क्या क्या अफेक्ट होगा, मतलब कम्युनिटी पे, हेल्थ सर्विसेज पे, इन सब पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, और ये जो हम एक्शन ले रहे हैं वो किस पे और कहाँ करनी चाहिए, ठीक है, ये एक्टिविटी कहाँ करनी चाहिए। और फोर्थ क्या है, व्हाट रिसोर्स आर रिक्वायर्ड एंड हाउ एक्टिविटीज़ टू बी ऑर्गेनाइज, मतलब जो हम एक्शन लेंगे उसके लिए कौन से रिसोर्स हमें चाहिए और हम कौन सी एक्टिविटी करें, ठीक है, व्हाट डिफ़िकल्टीज मे बी अराइज और व्हाट हाउ कैन बी ओवरकम। अगर हम जो भी एक्शन ले रहे हैं, हम कोई भी प्लानिंग या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हमें उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ मतलब कौन सी डिफ़िकल्टीज़ होंगी और क्या ये ओवरकम हम इससे कर पाएंगे या नहीं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अराइज़ होते हैं मतलब एक स्टडी को करने में, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट कम्युनिटी मेडिसिन का, जिसमें हम एपिडेमियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। पूरा रेफरेंस जो है वो के पार्क से लिया गया है, तो अगर आप उसको जाके अब पढ़ेंगे तो मे बी अब आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।